हाय एवरीवन, चीनिकम में आप लोगों का स्वागत है। आज आप जानते हैं मैं क्या आपको बताने आई हूँ। जो ड्रमस्टिक सजन होता है, सूती, जो भी सूती भी बोलते हैं, उसका एक रेसिपी, स्वीट एंड सावर, एक यूनिक रेसिपी है, उसको मैं सिखाने आई हूँ। और बहुत ही अच्छा ये होता है, जल्दी बन जाता है, हेल्दी होता है। इसका जो सजन का साग होता है वो भी हेल्दी होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बोलते हैं कि उबाल के पीने में भी बीपी आपका भी कम होगा। ये जो रेसिपी है, ये खट्टा मीठा, आपको खट्टा का स्वाद आएगा, मीठा का भी स्वाद आएगा, क्योंकि इसमें गुड़ इमली दोनों मिला के मैं की हूँ। थोड़ा सा नया रेसिपी है, उड़ीसा में बनता है, बालेश्वर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत अच्छे से ये बनाते, मैं वहां से सीखी हूँ। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा तैयारी करके रखी हूँ। मैं दो तीन सहजन का जो डंडी आता है उसको ली हूँ, उसका छिलका अच्छे से निकाल दीजिए। निकाल के थोड़ा सा पानी में उसको बॉईल करके उसका पानी हल्का निकाल दीजिए, नहीं तो वो पानी पी भी सकते हैं आप, वो हेल्दी होता है। और डालने के जब आप बॉईल करेंगे उसमें थोड़ा सा नमक दे के बॉईल कीजिएगा। सहजन को बॉईल करके एक जगह रख दीजिए, फिर उसका मसाला प्रिपेयर कीजिए। दो चम्मच जीरा क्यूमिन ली हूँ, एक चम्मच मैं ली हूँ सरसों, हम लोग इसको उड़िया में बेसर बोलते हैं। जो बेसर का मसाला होता है वो सरसों, जीरा, लहसुन, नहीं तो खाली भी सरसों दे के करते हैं, लहसुन मैं थोड़ा सा ली हूँ। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जीरा और सरसों को पहले सूखा इस तरह पीस दीजिए, उसके बाद पानी देके आप रेड चिली वगैरह जो डालना है, लहसुन डालकर इस तरह आप हल्का पानी देके पीसिए, और ऐसे इसी तरह जो दिख रहे आप इस तरह मसाला प्रिपेयर करके रखिएगा। अभी आप एक चम्मच गुड़ लीजिए और थोड़ा सा इमली लीजिए, उसको पानी में 8-10 मिनट भिगो के रख लीजिए। गुड़ और इमली को भिगो के रखना है आपको 8-10 मिनट। फिर उसके बाद देखिए, हाथों से ही, एक हाथ से ही आप उसको मसल दीजिए, जिससे इमली और गुड़ का रस पूरा वो पानी में एकदम आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये आप मिलाएंगे सब्जी में, उसको अच्छे से छान लीजिएगा, नहीं तो उसका जो दाना दाना वो सब आ जाएगा। अभी आप क्या कीजिए, एक से दो चम्मच ऑयल लीजिए, थोड़ा सा पंचफोरन डालिए, नहीं तो जीरा और सरसों डालिए। फिर आप क्या कीजिएगा, जितना जो आप बॉईल करके सजन का रखे थे डंडी, सब थोड़ा सा डाल के फिर उसमें आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी आप डाल दीजिए। और डालने के बाद हल्का फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा नहीं फ्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद जो मसाला आप प्रिपेयर करके रखे थे उसमें से 2-3 चम्मच दे दीजिए। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। फिर रेड चिली पाउडर मैं वहाँ डाली नहीं थी, मिर्ची, इसीलिए मैं अभी डाल रही हूँ। फिर जो पानी आप इमली का पानी तैयार करके रखे तो उसको छान के आप इसी में डाल दीजिएगा। और ये जो मसाला है उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो सरसों का सीतापन है वो आ जाता है। और थोड़ा सा ढक लीजिए, 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से हम लोग सहजन का जो डंडी है उसको बॉईल करके रखे थे। और इस तरह हल्का सूखा बनेगा, ज़्यादा आपका सूखा भी नहीं, एकदम पानी नहीं। देखिए आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा ग्रेवी दिख ही रहा है। बहुत ही अच्छा यूनिक रेसिपी है, मैं जो बोली, खट्टा, खट्टा का स्वाद, मीठा दोनों का स्वाद होता है, हेल्दी भी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गुड़ में बना है। इमली भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर इमली नहीं डालना चाहते हैं तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। आप गुड़ के बदले में आप चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू गुड़ बेटर है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और मैं इंस्टाग्राम में हूँ, जिसका अकाउंट है चीनी कम 5, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। तो बाय बाय, थैंक्स यू वेरी मच।